एक और बड़ी खबर मिल रही है शाइस्ता परवीन को लेकर, जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक के नाम दर्ज संपत्ति अपने कब्जे में ले रही है शाइस्ता। यूपी एसटीएफ को हरियाणा, दिल्ली, मुंबई की कंपनियों की जानकारी मिली है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से अपने नाम करा रही है संपत्ति शाइस्ता परवीन। तो एक तो शाइस्ता पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो मिल नहीं रही है, उसके लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जानकारी आई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से जो अतीक की संपत्ति है वो अपने नाम करा रही है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अतीक के उत्तराधिकारी उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन है। बिग वॉल के जरिए बिग डिटेल्स आपको बताते हैं। शाइस्ता परवीन की नई तस्वीर सामने आई है। अब देखिए, नई तस्वीर सामने आई है, इसमें अतीक की संपत्तियां अपने नाम करा रही है शाइस्ता, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तीसरी बड़ी बात, फरारी के दौरान शाइस्ता प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा रही है, यानी अभी फरार है, पकड़ी नहीं जा सकी है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी, अपने पति की प्रॉपर्टी अपने नाम कराई जा रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से शाइस्ता कब्जे में प्रॉपर्टी ले रही है, अतीक की प्रॉपर्टी। इसके अलावा एसटीएफ को दिल्ली, मुंबई, हरियाणा की संपत्ति की जानकारी मिली है, जो अलग अलग राज्यों में संपत्ति फैली हुई है। तो ये पांच बड़ी बातें हैं जो कि शाइस्ता परवीन के बारे में सामने आई हैं। और एक और बड़ी खबर, अतीक के दफ्तर से खून के निशान पर सूत्रों के हवाले से खबर। 3 से 4 ऑटो ड्राइवर और 2 ड्रग एडिक्ट से पूछताछ की जा रही है। कुछ दिन पहले 2 ड्रग एडिक्ट अतीक के दफ्तर में बैठे थे। अतीक के दफ्तर में कई जगह से खून के निशान मिले हैं, सोफे पर खून के निशान मिले, कपड़ों पर खून के निशान मिले। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, फॉरेंसिक्स ने सबूत भी जुटाए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ दिन पहले जो ड्रग एडिक्ट बैठे थे उनसे भी पूछताछ हो रही है। और एक और बड़ी खबर है, अतीक के दफ्तर की फिर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अतीक के दफ्तर के पास बैरिकेडिंग की गई है। अतीक के दफ्तर में कल खून के निशान मिले थे, खून के धब्बे मिले थे, उसके बाद से पुलिस चौकन्ना है। पुलिस ने चकिया में अतीक के घर का भी मुआयना किया है। के दफ्तर पर सोमवार को पुलिस को ब्लड स्टेन मिले थे, खून के धब्बे मिले थे, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक की टीम यहां पहुंची थी और तमाम सबूत इकट्ठा की थी। आज फिर मंगलवार की सुबह आप देखिए पुलिस की टीम जो है वो यहां पर पहुंची है, तमाम तफ्तीश कर रही है यहां पर और सुराग देख रही है कि कहीं रात को तो कोई नहीं आया है। यहां पर सोमवार की सुबह पूरे घर में, पूरे दफ्तर के अंदर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर खून के निशान मिले थे और कुछ कपड़े भी थे महिलाओं के जिस पर खून के निशान थे, चाकू मिला था जिस पर खून के निशान थे। उसके बाद आला अधिकारी डीसीपी इलाके के मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया और फॉरेंसिक ने एविडेंस कलेक्ट किए थे। पुलिस का यही कहना था कि ये खून के धब्बे लग रहे हैं, ज्यादा पुराने नहीं है। इसके अलावा डीसीपी दीपक भूकर का कहना था कि पीछे का शीशा टूटा हुआ, हो सकता है कोई अंदर घुसा हो, लेकिन अतीक के इस दफ्तर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहां पर खून के निशान मिले। वो दफ्तर जिसको यहां पर जमींदोज कर दिया गया था बुलडोजर के जरिए और इसको सील किया गया था, लेकिन ये चूंकि पूरा खुला हुआ दफ्तर था, यहां कोई भी आसानी से घुस सकता है, तो ऐसे में यहां इस दफ्तर में क्या हुआ तमाम सवाल खड़े करते हैं। और इसीलिए जो एविडेंस है फॉरेंसिक का वो जुटाए गए, फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशान यहां से लिए गए ताकि पता चल सके